चलिए तो आज एक बात करते हैं शुरू नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक ऐसा आर्टिकल उठाता हूँ जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, मतलब जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो ये होता है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, सपोज करिए ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए उसने कहा कि C6 या C6 की जगह पर उसने कहा C8H20 या H12, मान लो ऐसे करके कहता है O2 या O3 ऐसे करके आपको दे दिया, और उसके बाद में आपसे कहने लगा कि ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये या जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये तीन आइसोमर्स बनाता है ABC, इस तरह से हमारे पास में आइसोमर्स की बात करने लगा, और इसके लिए कहने लगा कि ये आपका अमोनिकल AgNO3 से वाइट PPT देता है, अमोनिकल AgNO3 से वाइट PPT दे रहा, कुछ इस तरह की बात इसने कह दी हमारे सामने। हम सब बी के लिए कहने लगेगा कि बी में ये लुकास टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, सी के लिए कहेगा कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, टॉलेंस भी देता है, ऐसी बातें हमसे करने लगेगा, या हमसे कहने लगेगा कि फ्रूटी स्मेल देता है और एक्सप्लोड हो जाता है। तो कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस को, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात वो है जिसके बेस पे हमारे 150 प्लस की तरफ हम सोच सकते हैं अपने नीट एग्जाम में। आप कहेंगे कि अरे 150 प्लस के नहीं साहब, इस अकेले क्वेश्चन से नहीं, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ टूल्स, ऐसे कुछ आर्टिकल्स जो हमारे पास में होने चाहिए और जो हमारे अंदर से डर निकाल दें कि हमारा अगर क्वेश्चन आता है या कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे कर लें, ऐसी चीजें 150 प्लस की तरफ। नीट का कोई एग्जाम है तो वहां, तो मैंने जैसा आपका टाइटल में दिया कि 1 to 150 plus इन नीट, यस, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे 150 प्लस आएंगे तो उसकी तीन ही चीजें हुआ करती हैं। पहला, आपका बिल्कुल अटेंटिव होना आपके एग्जामिनेशंस में, आपका बिल्कुल अटेंटिव होना ऐसा ही जैसा आप एग्जाम में होते हैं पढ़ाई के समय, जैसे आप बिल्कुल फोकस होते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन ये भी ना छूट जाए, मेरा क्या होगा इससे, मेरा सिलेक्शन अफेक्ट होगा, ऐसा ही आपको घर के अंदर होना चाहिए पढ़ाई करते समय कि मेरे को हर क्वेश्चन डेडिकेट होकर के करना। तो आपका अटेंटिव होना और डेडिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपका डेडिकेशन, अटेंशन और उसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कर रखना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स को अपने टिप्सों पर रखना जिनके बेस पे आपका एक बहुत बड़ा डोमेन क्लियर हो जाता है, वो 150 प्लस की तरफ को लेकर के जाता है। मैं जब पढ़ाता हूँ फिजिकल क्लास में अपनी, कचाकच भरे रहते हैं सब लोग, लेकिन मैं जब टाइटल, ठीक है, जो आर्टिकल उन तरह की बात से जब शुरू करता हूँ तो उसमें मैं हमेशा फोकस ये करता हूँ कि आज आपको जो पढ़ाया जाए उससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको बैठने की आदत डालनी है। मैं अपने बैच को जब पढ़ाता हूँ मैंने उनको प्रॉमिस कर रखा है, नीट वालों को प्रॉमिस, 150 प्लस आएंगे, मैं आज बोल रहा हूँ आएंगे। सर उसके पीछे इन्वेस्टमेंट क्या, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट है क्या कि 10 से 2 उन लोगों को बैठने की आदत में डलवाता हूँ। बीच में ब्रेक दिया 4 घंटे, बोला था 10 से 12 पढ़ाऊंगा लेकिन 10 से 2 तक उनको, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं, अब 9 से 2 भी। क्यों साहब, सर वहां की बात क्यों बता रहे हो, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम भी उसी टाइम पीरियड में होगा यार, तो उसकी आदत डालिए। मैं उनको सैटरडे संडे क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि सैटरडे संडे उनको बैठने की आदत डले, सबसे पहले कमर सीधी करने की आदत डले, यहां से मुझे पैदल अगर कहीं पर जाना 10 किलोमीटर तो मुझे पैदल चलने की रोज की आदत होनी चाहिए, तभी तो मैं 10 किलोमीटर की रेस जीतूंगा। अरे कौन मैराथन पहले दिन में जीत जाता है यार, पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी उतनी, ऐसा तो होगा नहीं कि आज मैराथन हुई आज मैं दौड़ा जीत जाऊंगा, प्रैक्टिस करके बॉडी को यूज टू करा जाता है, बनाया जाता है, वैसा करा जाता है, वो कर रहा हूं मैं उनके साथ में, और वही चाहता हूं कि जो बच्चे यहां मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर भी अपनी एक आदत डालें, संडे के दिन 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैठिए, बीच में छोटा सा ब्रेक लीजिए, आदत डाल लीजिए अगर जीतना चाहते हो। मैच होगा तो क्या पहले दिन बैट पकड़ करके जीत जाओगे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी उससे पहले क्या करते, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है यार, आदत डाली संडे के दिन की, बायोलॉजिकली हर संडे बॉडी फिट रहेगी, बॉडी अपने आप सोचेगी अरे इतना घंटा तो मुझे पढ़ना है, इतनी देर तो मुझे स्टडी करनी है, मतलब सिटिंग की आदत होनी चाहिए, दैट शुड बी। तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेट इस बात के लिए, डिटरमाइन होकर के बैठ जाना। मैं आपको वहां नहीं देख सकता हूं, मैं कुछ बातें बता सकता हूं, यहां वालों के लिए तो बिल्कुल सही है, 150 प्लस सही है, डेडिकेट होइए, डिटरमाइन होइए, मेरा पैकेज ले सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा, हुआ है इस बार बच्चों ने जितना कमेंट लिया सर हमारे इतने आगे, बस वहां गड़बड़ी है कि वहां आपको खुद डेडिकेट और अटेंटिव होना पड़ेगा, मैं वहां आपको नहीं देख सकता हूं, यहां तो मेरा हाथ है, देखता भी हूं और बजा भी सकता हूं 150 प्लस के लिए। गेम खेलना 150 प्लस का,
करो घर में डेडिकेशन या आ जाओ मेरे पास, यहाँ 150 प्लस ही होंगे, 150 प्लस ही होंगे, कोई और एश्योरेंस नहीं दे सकता, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ उस चीज की, होंगे 150 प्लस जब आप डेडिकेट होंगे, डिटरमाइन होंगे, आदत डालेंगे और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिनको मैं यहाँ कराता हूँ, रोज टेस्ट लेंगे, आप संडे अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, अरे उसकी मत चिंता करिए, अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लीजिए, भागिए दौड़िए दौड़िए दौड़िए, रियलिटी में देखिए कि आपने हकीकत में सच्चाई में, आपसे ज़्यादा आपकी सच्चाई कौन जानता है यार, कहीं पर अगर आपका टेस्ट भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रही तो पड़ोसी से पूछ लेते हो, चार सवाल कर लिए और उसके बाद एग्जाम में नंबर भी ज़्यादा आ गए तो किसके हैं, उसके सहयोग के हैं यार, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जरूर होने चाहिए, होने चाहिए। मैं उन लोगों को जो पढ़ाता हूँ उनको टेस्ट पेपर बांटता हूँ, हर बार उन्हें एक टेस्ट पेपर देता हूँ, ज़रूर देता हूँ, क्यों साहब, डेडिकेशन होना आपका बहुत ज़रूरी है, अगर आप डेडिकेट नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते, डेडिकेशन आपका बहुत 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 ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है, किसको धोखा दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, अगर आप अपने आप किसी टेस्ट पेपर में बैठ करके आप इधर से चीटिंग उधर से चीटिंग कर लेते हो, क्या होगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, किसको दिखाना चाहते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में फर्स्ट रैंक आ गया किसको दिखा रहे हो, कुछ नहीं, ईमानदार बनिए, 150 प्लस आएंगे, ऐसे आते हैं 150 प्लस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको आज अगर के लिए ना तो आगे भी हेल्प करें, जैसे मैं अभी इसके ऊपर एक आर्टिकल जो बताने वाला हूं कि ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा दो पार्ट में, पार्ट वन पार्ट टू, एक ये और एक नेक्स्ट, इस बार गेम सोच लिया, 3 साल बाद जब पढ़ाना शुरू करा है तो सोच लिया है, सर पढ़ाना मतलब फिजिकली पढ़ाना शुरू किया, सोच लिया 150 प्लस मारेंगे, जम के मारेंगे, करना है 150 प्लस, आ जाओ मिलाओ हाथ मेरे से, फोड़ते हैं भयंकर तरीके से 150 प्लस, एनसीआर वाले तो बड़े आसान है, आसपास से आ रहे हैं बच्चे, सब कुछ है, बैचेस फुल हो गए वो अलग बात है, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे करेंगे, पांचवें करेंगे, सातवें करेंगे, आठवें करेंगे, लेकिन 150 प्लस मारेंगे यार इस बार डेडिकेट होकर के। कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग पढ़ाते होंगे आपको डीयू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, लेकिन डीयू पूरा नहीं है, बहुत लोग खिलाते होंगे डोसा, डोसा अकेला खाने लायक होता है जब तक सांभर ना हो उसके साथ में, जब तक चटनी ना हो उसके साथ में, ऐसे ही डीयू सीखते हैं बहुत सारे बच्चे, सीखते हैं टीचर सिखाते हैं, लेकिन वो अधूरा है जब तक ग्रुप की प्रॉपर्टीज ना हो, तो ऑर्गेनिक कम है वो, 30% का फोकस आपको अभी, 30-40% का फोकस अभी क्लियर कर दे रहा हूं आपका, दो पार्ट में, पार्ट वन पार्ट टू। पहले पार्ट में मैं सिखाना चाहता हूं कि जब भी मेरे पास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्लियर कर रहना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अलग अलग तरह की मेथड है, अलग अलग तरह की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम चीजों को सीख गए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि कहां अप्लाई करूं यार इसे, मैं कहां के लिए करूं इस काम को, क्या भाई मैं केवल एलकेएल एनकेएलकेएन की बात करूं, अरे वो तो जरा सी ट्रिक में सॉल्व हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट हैं जहन में होनी चाहिए, बिल्कुल आपके पास में। कभी कभी हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेरे पास में लिखा जाएगा कि मान लीजिए वो आपसे कहता है, सपोज करिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ, वो मुझसे कहेगा SCHO ये मुझे दिया हुआ है और मेरे पास में यहाँ दिया CH3COH, जरा था गौर करके देखिएगा C2H4O2, मतलब ये कि ये क्वेश्चन मेरे पास में दे दिया और क्वेश्चन में ये कहा था कि बात कैसे करी जाती, कैसे सीखी जाती, कैसे ट्रिक्स होती हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका नवंबर दिसंबर में क्विक रिवीजन इस स्टाइल में कराऊंगा, इस बार पिछली बार जैसे कराया इसी तरह जेई वालों को और नीट वालों को, इनको सबको ये क्वेश्चन आपका दे दिया, वो कहेगा कार्बन परसेंटेज इज सेम इन एज SCHO, SCHO में जैसी है ऐसी किसके अंदर है, ए CH3CHO ठीक है, बी C6H12O6, सी हमसे इस तरह की बात करेगा CH3COH एंड डी C6 या C12H22O11, ऐसा कुछ भी हमसे कह सकता है, हमसे कहेगा कि कार्बन की परसेंटेज जो इसके अंदर है ऐसी ही इसके अंदर किस में है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते होंगे, आप ब्रिलियंट हैं, आप में से कई बच्चे हर तरह के हैं, कुछ ऐसे जो सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो इस चीज़ को जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में दूर करते हैं इस चीज़ को। कैसे दूर करेंगे हमारे पास में, जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज कभी भी नहीं बदलती है इंपेरिकल फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूले में, मतलब किसी का मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला CH है तो C6 और H6 मतलब कार्बन की जो परसेंटेज यहां होगी वो परसेंटेज यहां हो जाएगी, मतलब कॉमन नंबर को बाहर निकाल लीजिए,
कॉमन नंबर को बाहर निकाल लीजिए, इसी से मैं भी थोड़ी देर में डीयू भी समझाऊंगा आपको, कॉमन नंबर को आप बाहर निकाल लीजिए, जो परसेंटेज इंपेरिकल फॉर्मूले में होगी वही परसेंटेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होगी। मतलब ये कि मैं अगर इसको समेट के रखता हूं तो ये बनता है CH2O, CH2O स्टाइल वाला। अगर जो भी इसके अंदर होगा तो जो कार्बन की परसेंटेज यहां है वो यहीं पर होगी। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो क्या बनता है, C2H4O। यहां से अगर मैं ये देखता हूं तो ये नहीं है, अगर मैं 2 से भी डिवाइड करता हूं तो ये हाफ बनता है। चला यहां पर मैं 6 बाहर निकालता हूं तो क्या बनेगा, CH2O। 6 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं, 6 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बना, CH2O। दिस इज सेम, इसका मतलब बी ऑप्शन तो मेरा है ही है। ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं जो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। यहां पर अगर मैं आता हूं तो ये क्या बनता है, C2H4O2, टू कॉमन, यस CH2O अगेन, दिस इज ऑल्सो। ये फॉर्मूला इंपेरिकली इसके बराबर है, ये फॉर्मूला इंपेरिकली इसके बराबर है। जरा स्कोर देख लेते हैं, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास में बी और सी ऐसे हैं जहां पर कार्बन की परसेंटेज वही है जो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन नंबर को बाहर निकाल लीजिए, और कॉमन नंबर को बाहर निकालने के बाद अगर दोनों के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आते हैं तो हर परसेंटेज सेम होगी। ऐसी कुछ बातें आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ बातें आप ऐसी भी याद रखिएगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्लस एक चीज और जोड़ लीजिएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्लस मेरा वाला पार्ट टू जो मैं पार्ट टू इसमें दूंगा, उन दोनों को जोड़ लीजिए। पार्ट वन पार्ट टू क्यों कर रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं जिससे कि आप जल्दी से चीजों को समझ सकें, अभी पार्ट वन को पूरा कर लें तो थोड़ी देर में पार्ट टू को पूरा कर लें। मेरे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में कहीं पर यह दिया हुआ है, कभी कभी कार्बन की परसेंटेज दे देता है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे देता है, हमसे पूछता है बताइए मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट भी दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है एनटीपी पर इस तरह से, और वहां से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और आपसे कहेगा बताइए फॉर्मूला क्या होगा। हाइड्रोकार्बन की बात करती है उसने, तो हाइड्रोकार्बन की पर आप लोग जनरली क्या करा करते हैं, हम भी क्या करा करते हैं, सभी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे मेरी ट्रिक की तरह भी कर सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे मैं बार बार कर रहा हूं, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूं कि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी, लेकिन मैं तो बात उनकी कर रहा हूं जिनको नहीं आती या जो सीखना चाहते हैं। तो कार्बन की अगर मैं बात करूंगा तो परसेंटेज की रिलेटेड बात करेंगे, यहां परसेंटेज दे दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है, जो परसेंटेज होती है मान लीजिए 80 और 20 की बात हो रही है तो यहां क्या होगा, 80/12 और 20/1, फिर रेशियो, फिर ये, फिर एम्पिरिकल, फिर मॉलिक्यूलर, नहीं करना। इसे हाइड्रोकार्बन का जिक्र हो रहा तो नहीं करना साहब, क्यों नहीं करना, मैं बताता हूं अभी क्यों नहीं करना। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, जरा हम फिर से आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हमारे पास में चार तरह की बातें होंगी, या तो होगा फिर वहीं से हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पाएंगे, CnH2n+2 दैट इज एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n -2 एल्काइन, और CN नहीं साहब कोई बचता नहीं है, इसके बाद बचता है बेंजीन, रिंग से रिलेटेड बातें। यहां पर कार्बन अगर मैं रख देता हूं 12 और H रख देता हूं 1, तो मेरे पास में मान लीजिए N=1 रखते हैं तो ये बनता है CH4, और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 इज 16, ऐसे करके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, N=1 रखेंगे CH2 होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट जनरल निकालना चाहूं तो कार्बन की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ी 12, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ी 1, 12+1 मतलब 4 मिला के टोटल कितना हुआ 16। अगर मैं जनरल मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू 12 रख दूं, इसकी 1 रखूं, तो ये क्या होगा 14n+2, ये कितना होगा 12n 2n कितना होगा 14n, 12n 2n मतलब कितना होगा 14n-2, 14n+2, 14n, 14n-2 मतलब, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 78, तो ये क्या होगा 77+x, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट से निकल करके आ जाएगा। तो कल को अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए उसने कहा कि कार्बन की परसेंटेज कुछ भी दी हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कुछ भी दी हुई है, हमसे कहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, सपोज करिए वो आपसे कहता है 78 है, हमसे ये कहता है 78 है, या हमसे ये कहता है चलिए 78 को छोड़िए थोड़ी देर में बात हो जाएगी, थोड़े से कंफ्यूजन को दूर करते चलते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहता है मॉलिक्यूलर वेट इज 68, मॉलिक्यूलर वेट इज 68, देन फाइंड आउट विच इज द हाइड्रोकार्बन। तो आप क्या करेंगे इन जनरल कि इसकी क्या करेंगे परसेंटेज लेंगे, इसकी परसेंटेज लेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में फॉर्मूला निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे।
नहीं करना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है या तो वो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, सब में रख करके इसको देख लीजिए किसी एक से ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब या तो मोल का वेट एल्केन का होगा या ये मोल का वेट एल्कीन का होगा या एल्काइन का होगा या बेंजीन का होगा, बेंजीन में तो मैच करता है नहीं, ये 77 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं है। जब मैं इधर की ओर इसे ले जाऊंगा तो ये बनेगा मेरा 14N = 70 और N = क्या होगा 5, N = 5, ठीक है, N = 5। तो N = 5 हमारे पास में आ जाता है, जब हम इसको देखते हैं तो ये नहीं निकल पाता, इसको देखते हैं तो नहीं निकल पाता, ये यहां सेटिस्फाई नहीं है, यहां सेटिस्फाई नहीं है, हमारे पास में यहां सेटिस्फाई है, इट मींस दिस इज दिस वन, इट मींस N = 5 जैसे आप रखेंगे तो C5H8 होगा और 5 कार्बन के नंबर वाले का नाम एल्केन एल्कीन एल्काइन के हिसाब से ये पेंटाइन होना चाहिए, इट शुड बी पेंटाइन, जबकि ऐसा नहीं है। यहीं से हम अनसेचुरेशन का गेम शुरू करते हैं। C5H8 होगा, ठीक है पेंटाइन होगा वो भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास ये इस तरह का फॉर्मूला है तो ये एल्काइन तो कंपलसरी है, होगा ही होगा, लेकिन ये एल्कीन भी दे सकता है और ये एल्केन भी दे सकता है। यहीं से गेम हमें स्टार्ट करना है, कैसे, मेरे पास में अगर ये 5 कार्बन का है दैट इट इज व्हाट दिस वन, ये होगा, लेकिन हम ऐसा भी इसे कर सकते हैं, ये जस्टिफाई है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1 2 3 4 5 ये भी सही है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितनी, 2 1 2 2 6 and 8, सब जस्टिफाई कर रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है साइक्लो बन जाए ऐसे, ये ऐसा भी हो सकता है कि ना ये एल्कीन रहे ना एल्काइन रहे, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। कैसे, यहां पर क्या क्या छिपे हुए, यहां CH2 है, यहां CH2 है, यहां CH है, यहां CH2 है, यहां CH है, 1 2 3 4 5, 2 2 2 6 and 2 8, यहां प्रॉपर्टी दे रहा है ये एल्काइन की, यहां प्रॉपर्टी दे रहा है एल्कीन की, यहां प्रॉपर्टी दे रहा है एल्कीन की और यहां प्रॉपर्टी दे रहा है एल्केन की। इसका मतलब मैंने आपको एक ट्रिक तो सिखा दी, क्या कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोकार्बन पूछता है तो मोल का वेट में फिट करके जस्टिफाई कर लीजिए कौन सा सही है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो हमसे कहता है कि हमारे पास में ये कोई फॉर्मूला है तो ये पक्का एल्काइन है, हाँ एल्काइन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एल्कीन की प्रॉपर्टी दे तो ये ऐसा होगा, एल्केन की प्रॉपर्टी दे तो ऐसा होगा। ऐसी सब चीजों को सीखने के लिए जो चीज अडॉप्ट की जाती है, जो चीज अपनी दिमाग में रखी जाती है, उसी का नाम हुआ करता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये बात करा करते हैं केवल वो लोग जो केवल अनसेचुरेशन सिखाया करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन सब में नहीं, मैं बात करूंगा हर जगह पर, ये अनसेचुरेशन वाला कॉन्सेप्ट ये हर जगह वैलिड है, ये यहां भी वैलिड है। हमसे कुछ भी इसकी जब बात करेगा वो कहेगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या हमारा टॉलन टेस्ट देता है या हमारा लुकास टेस्ट देता है, कुछ भी देता है, तो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये वैलिड यहां भी है, ये वैलिड आपका इस तरह से भी हो जाएगा कि C17H33 ठीक है Cl दे रखा है और हमसे कहता है ये क्या है, या हमारे लिए 32 दे रखा है Cl2 दे रखा है और इसकी बहुत सारी बातें कर रखी हैं, तो भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन काम आएगा। हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मान लीजिए उसने कह दिया C11H20 ठीक है और हमसे कहता O3, हमसे कुछ इस तरह की बात करता है, फिर इसके बारे में कुछ बातें कह रखी, ये यहां भी काम आएगा। अभी मैंने ट्रिक समझाई, क्या एल्केन एल्कीन एल्काइन में से कौन होगा, आपको बॉक्स बनाकर परसेंटेज के थ्रू करने की जरूरत नहीं है अगर हाइड्रोकार्बन नाम का शब्द पूछा हो गया, एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे सामने कोई हाइड्रोकार्बन हो गया तो जरूरी नहीं वो एल्केन एल्कीन एल्काइन हो, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर बन करके आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई भी आ जाता है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एसिड है, एनहाइड्राइड है, मिक्स है, क्या है, कैसे, सब में यूज होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की मैं बात कर रहा हूं, पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालनी सीखते हैं और फिर हम सीखेंगे इसके अंदर आखिरकार इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे होंगे या बड़े क्वेश्चन को इसके थ्रू कैसे बहुत छोटा बहुत ईजी कर लेते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं, ये वो बातें हैं जो 150 प्लस की तरफ ले जाती हैं। आप डेडिकेट होकर खुद करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा आपको। कैसे कराऊंगा साहब, ये वीडियो के द्वारा, पैकेज के द्वारा। और अगर यहां आ गए
तो बिल्कुल फिट कर रखा है, कंसेप्ट फिट कर रखा है, पहले क्लास, क्लास के बाद एक और क्लास, लेकिन वो सेल्फ असेसमेंट क्लास, असाइनमेंट क्लास, 4 घंटे वहां पढ़ो, 1 घंटे असाइनमेंट करके जाओ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, जमा करके जाओ उस असाइनमेंट को, अगली बार डिस्कस करेंगे कि क्या गलती करते हो, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाया शुरू, कुछ वीकनेसेस आ गई थी, कुछ गड़बड़ हो गई थी, चोर बहुत हैं, अगर मैं चीज़ों को करता और चोरी होती तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ चीज़ों में वीकनेस रह जाती है। मैंने अपना फर्स्ट फेज कंटेंट बनाया, उस कंटेंट में 100% मैचिंग की वीडियोज़ की बात की, कहीं पर मैच नहीं होती है तो उसका मतलब क्या हुआ यार, कंसेप्ट तो समझा रहा हूँ, कंसेप्ट कहीं पर अधूरा रह गया, 1 मिनट 2 मिनट का गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं, डीवीडीज में कोई प्रॉब्लम आ गई, कॉल कर सकते हो आप अगर अच्छा करना है। और निगेटिव देखने को तो कुछ भी निगेटिव है दुनिया में, अगर निगेटिव देखना तो दुनिया में हर चीज़ निगेटिव है, निगेटिव देखना तो मैं देखने लगूँ कि जहाँ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ यहाँ से कुछ गिर गया तो सिर फूट जाएगा, दुनिया में कई लोग मरे होंगे, पढ़ाते पढ़ाते ऊपर से पंखा गिर गया, मर गया, तो मैं भी साथ भी हो सकता है, ये लगा हुआ है ऐसी गिर गया सिर फूट जाएगा, निगेटिव सोचना है तो, और पॉजिटिव सोचना है तो मैं बहुत कुछ पॉजिटिव सोच सकता हूँ, तो मैं तो यही चीज़ जहन में लेकर के चलता हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रह करके काम करना स्टार्ट करिए, निगेटिव में तो हर कदम जिस सीढ़ी से आप रोज उतरते हो अगर दिमाग में ये आ गया, मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, वहाँ से सीढ़ी से उतर के आ रहे हो और आपके दिमाग में आ गया यहाँ से फिसल के चोट लगी, तो निगेटिव तो कहीं भी सोचा जा सकता है। पॉजिटिव सोचने के लिए देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ ये बंदा कह रहा है, डीयू उसे कुछ सिखा देगा, सीख लो